हम लोग कैन वाले को फेल करते हैं काम में। आप लंटी में जाके देखो, वो आठवीं पास रखता है जनरल फोरमैन, जो टेक्निकल वाले को कुछ नहीं। बात है अभी कैन वाले ना हमारे पास। हम आरबीएन कॉल लिमिटेड कंपनी में जॉब करते हैं, ये केन के अंदर जॉब करते हैं, और सैलरी का बहुत इशू है, टाइम से सैलरी नहीं आती है। इस महीने भी हमारी सैलरी टाइम से नहीं आई है, और सैलरी के लिए जब भी बात करते हैं तो हमें कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिलता है, और कई बार तो ये बोलने को मिलता है कि जिसको नौकरी करना है करो, नहीं करना है चले जाओ, फ्रॉम द आरबीएन कॉल लिमिटेड कंपनी। एंड खाने पीने की बहुत ख़राब हालत है, खाने में कभी चूहा मिलता है, कभी प्रॉपर खाना नहीं रहता है, कभी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, और जब भी हम कुछ कहते हैं तो फ्रॉम द फूड ऑर्गेनाइजर्स दे से जिससे बात करना है कर लो, कुछ नहीं होगा। और मेंटल प्रेशर है, कई बंदे यहाँ पे 60-70 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि ये 21-21 का जॉब है, 21 दिन ड्यूटी 21 दिन छुट्टी, और इसमें 22वीं दिन गवर्नमेंट भी कहती है कि यू कैन लू, बिकॉज इट्स अ वेरी टॉक्सिक इन्वायरमेंट, क्योंकि एसटीएस गैस है बहुत ज़्यादा होती है, उसका बॉडी बहुत इफेक्ट होता है। बंदे 60-70 दिनों से जॉब कर रहे हैं, और इसका ये भी रीज़न है कि हमारे गवर्नमेंट के सारे सेक्टर बंद है, तो ऑयल एंड गैस चलता रहे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बना रहे, तो 60-70 दिन जॉब हो चुका है, फिर भी कंपनी जो है तो केयर नहीं कर रही है, और इनके लिए कम से कम रिलीवर जो है। इस कंपनी में आप कितने समय से काम कर रहे हो? मैं वो करीब 1.5 साल हो चुका है। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली बिहार से हूँ। कितने लोग? 50-70। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी सबसे पहली मांग ये है कि सैलरी जो है उसको रिलीज किया जाए, और जो बंदे एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं उसका क्या आप करोगे, उसके आप ओटी दोगे या फील्ड ब्रेक दोगे, ये आप क्लियर कीजिए, और खाने को लेकर आप अच्छा कीजिए। और अभी हमारा खाना भी बंद कर दिया है कि आपको खाना नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन दीजिए, क्या खाना हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। और बदतमीजी से जो बात करें उससे, यहाँ पे कुछ बंदे हैं जो काम करना चाहते हैं, कुछ बंदे हैं जो फील्ड ब्रेक पे घर जाना चाहते हैं। ठीक हाल हो गए इधर से जहाँ ड्यूटी करते हुए, और आर्मी वाले को पहले बोल देते हैं कि हमको वहाँ से शहर नहीं मिलते, और शहर ने तो इनको 3-4 तारीख को हम लोग को तला दिए, और इनका पेमेंट बोल रहे हैं कि आज जा जाएगी 4 तारीख को आप, जा 3 तारीख को आप सहन करके दिला दोगे कैन वालों से, तो हम लोग आपको पेमेंट आ जाएगी। आज 15 तारीख होगी, 4 तारीख को हमारे हम लोग अपने साहब को बोला सारा हम इनको अपना टाइम शीट दे दो, 4 तारीख को इनको टाइम शीट दे दी, आज 15 तारीख होगी, अभी तक कोई पेमेंट नहीं है कोई, हमको आज तक हमने खाना भी नहीं खाया, हम लोग ना नाश्ता किया, बंद कर दिया, बोला ना हम नाश्ता देंगे ना हम, अगर ड्यूटी जाना है तो ठीक है नहीं तो सब बंद है। तो सर ये जो पार्टी है जो बात कर रही थी ये ही आप प्लांट चलाती है, और हमको परमिट दिया जाता है काम पे जाओ, हम लोग काम करके देते हैं, और आरवी से हम लोग का भीख तो मांग नहीं रहे, आरवी को हम काम करके देते हैं तो ही आरवी चल रही है, आरवी से हम भीख नहीं है, कोई पैसा मांग नहीं रहे, आरवी हमारी तो पैसा दे, तो आज दे देंगे कल दे देंगे मंडे को दे देंगे सोमवार को दे देंगे, इसका कोई ना तो हमको माँ है इसका ना कोई बाप है, किसी ने आके हमको पूछा नहीं, जिंदे हो या मर गए हो क्या हुआ तुम्हारा, किसी ने हमको नहीं पूछा कोरोना के लिए, सब आरवी वाले वहाँ बैठे हैं और उस इनके बंद है, हमको खाली फ़ोन पे बोला जाता है कि तुमको 6 बजे ड्यूटी जाना है, हम 6 बजे ड्यूटी वहाँ ब्राह्मण होटल है वहाँ पहुँच जाते हैं, मांग सर पेमेंट तो आनी चाहिए ना, ये तो ऑफिस में बैठे हैं इनको तो पैसा मिल रहा है, पेमेंट तो आनी चाहिए टाइम से कि हाँ भाई आदमी ड्यूटी जा रहे हैं इनको पेमेंट दो, ज़्यादा नहीं दे रहे तो हमारी मेहनत तो दो, इनको ज़्यादा कोरोना लगेगा तो सर आज कुछ नहीं किसी ने दिया, कितना टाइम हो गया आज और कल, बोले ठीक है ड्यूटी जाना है तो नाश्ता मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा।